नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत मुद्दे की बात करने वाले हैं। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि मैंने बेस्ट टीचर का बैच ले लिया, फिर भी परफॉर्मेंस मेरी वर्स्ट रह रही है। कई बार जो फ्रेशर्स होते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि जब बेस्ट टीचर से पढ़ा उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही तो हम नया क्या कर सकते हैं, यूनिक क्या कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ में जब सिलेक्शन ही नहीं हो रहा तो फिर हम पढ़े किससे। और टीचर्स क्लेम करते हैं कि हमने 99% रिजल्ट दे दिया। सबसे पहली चीज, टीचर या कोई भी अगर ये कहे 99% रिजल्ट दे दिया, चाहे मैं हूं या बीट एनी टीचर, बीट एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टीचर हो, अगर वो क्लेम करे कि सिलेक्शन मैंने दिलवाया है तो बिल्कुल गलत है। कोई भी किसी का सिलेक्शन नहीं दिलवाता, कोई कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, कोई कितना खराब टीचर क्यों ना हो। लोग गाइड करते हैं और गाइडेंस ही चाहिए एसएससी के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स में टीचर ने पूरा सिलेबस करवाना था, करवा दिया उन्होंने, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म। इंग्लिश में सेम चीज, रीजनिंग में सेम चीज, जीके में। देखो मैथमेटिक्स का अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा हाइप बना लेते हो मैथमेटिक्स, तुच्छू सा एसएससी का मैथमेटिक्स है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो इतनू सा है, इतनू सा मतलब समझ लो कि दो महीने में पूरे सिलेबस को दो बार कर सकते हो अगर केवल मैथ्स पढ़ा जाए तो। उसके बाद मैथ्स में परफॉर्मेंस खराब क्यों रही, क्योंकि टीचर्स तो पढ़ा के चले गए, टीचर्स ने बेस्ट कॉन्सेप्ट बताया, सब कुछ बता दिया, लेकिन भैया उसके बाद प्रैक्टिस टीचर्स करने थोड़ी आएंगे, रोने से थोड़ी हो जाएगा कि मैंने इन टीचर से पढ़ा, उन टीचर से पढ़ा। अगर मैं बात करूं एक एवरेज स्टूडेंट की, तो उसके पास कम से कम 200 पीडीएफ होती है एक सेक्शन की। मान लो मैथमेटिक्स की बात करें तो 200 पीडीएफ वो इकट्ठा करके बैठा है। अब एग्जाम से दो महीने पहले तक वो पीडीएफ इकट्ठा कर रहा था, एग्जाम के टाइम पे उसे 200 पीडीएफ है, 200 किताबें हैं, क्या पढ़े। तो इसी वजह से कहते हैं एक बुक लो, वो जब खत्म हो जाए, चाहे वो सबसे रद्दी बुक, टीचर आए कहते हैं सबसे रद्दी बुक है ये वाली बुक बेस्ट, ठीक है कोई सुनना ही नहीं, जब तक वो बुक के सारे प्रश्न तीन बार ना हो जाए तब तक दूसरी बुक नहीं लेनी है। प्रैक्टिस तो आपको करनी है। दूसरी चीज रीजनिंग में ऐसे, रीजनिंग का एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद आपको मॉक लगाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस टीचर थोड़ी करने चले आएंगे, एग्जांपल ले दो, मान लो अभिनय शर्मा सर मान लो बेस्ट है, ठीक है, अभिनय शर्मा सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, या फिर रंजन सर हो गए, या फिर कोई भी टीचर की बात कर लेता हूं, बीट एनीवन, जो बेस्ट हो गए, उनसे पढ़ने के बाद आपका स्कोर नहीं आ रहा, तो उसमें टीचर्स की गलती नहीं है। उसमें गलती क्या है, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, आप उन टीचर से पढ़ रहे हो, उन टीचर से प्रैक्टिस कर। अरे टीचर से कौन सा प्रैक्टिस बैच होता है भैया, प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन करके बैठे हैं, हार्ड प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करके बैठे हैं, हार्ड कोर प्रैक्टिस बैच कर क्या रहे हो। मैथमेटिक्स में सेम चीज रीजनिंग में, रीजनिंग के 50 प्रश्न भैया करवा दो, मेरा काम है आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे 25 के 25 प्रश्न देखो, एक दो प्रश्न जो आपसे फंस रहे वो देखो ना, ये जिसको आपको करने में टाइम ज्यादा लग रहा है। अब मेरे ही भरोसे बैठे हुए हो, 25 प्रश्न भैया जब करवा के खत्म करेंगे तभी हम करें घंटा, भैया को सिलेक्शन लेना, भैया रोज 25-25 प्रश्न डाल रहे हैं, भैया की 25 प्रश्न की प्रैक्टिस हो रही, तुम्हारी क्या हो रही। सेम चीज इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का सिलेबस पढ़ लिया, अब नोट्स बना के रख भी दिया, किताब भी ले ली 70-80, अब उसके बाद में इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट करना है प्रीवियस ईयर के, वो कहे प्रीवियस ईयर का रिवीजन करना है, तब तो नहीं मामा के यहाँ घूम रहे हैं, मासी के यहाँ घूम रहे हैं, कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सा टीचर, सबके कमेंट में जाके लिखना फॉर द बेस्ट, कौन कौन मानता है ये बेस्ट है, कौन कौन मानता है ये बेस्ट है, वो लाइक करें। ये करने में अगर तुम फंसे हो तो तुम्हारा घंटे इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। जीके के लिए ये चीज, 90% लोग सिलेबस शुरू करते हैं खत्म नहीं करते। मान लो आपने खत्म भी कर लिया, नोट्स बना के रख दिया तहखाने में, दोबारा उसको छूना नहीं है, फिर घंटा सिलेक्शन हो जाएगा, रिवीजन करना नहीं है, नंबर बढ़ नहीं रहा। अरे भैया जब रिवीजन करोगे तब तो नंबर बढ़ेगा। प्रैक्टिस एक प्रश्न नहीं करनी चाहिए, मैथमेटिक्स में 100% स्कोर चाहिए। रीजनिंग का एक सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आ जाए तो मौत आ जाएगी इनको प्रैक्टिस करने में, और एग्जाम में आ जाए तो इनको 100% स्कोर चाहिए। इंग्लिश में प्रीवियस ईयर ओके, इनसे हो नहीं रही, बुक है मेरे पास और कौन सी बुक ले लो। अब पूछने से पहले शर्म करो कि तुम्हें कौन सी बुक और लेनी चाहिए। आपके पास प्रीवियस ईयर की मान लो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 है, उसके बाद भैया नीतू सिंह वॉल्यूम 1 है, उसके बाद कौन सी प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, किरण भी है ये। अरे भैया एक बुक करी तुमने, एक बुक तुमसे हो नहीं रही, 70 बुक ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है, एसएससी जैसे एग्जाम को निकालने के लिए एटलीस्ट कि एक किताब रखो। ये यूपीएससी नहीं है कि वहां से भी पढ़ लिया वहां से भी पढ़ लिया, 72 सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें लिमिटेड सा सिलेबस है, उतने ही प्रश्न आ रहे हैं। और अगर आपको जरा सा डाउट हो रहा है तो प्रीवियस पेपर्स को देख लो। बात कर लेते हैं ऐसे जीके के लिए, जीके का वही भैया जीके पढ़ तो रहा हूं, नंबर 10 से ज्यादा नहीं, कैसे आएगा। 10 साल पहले हिस्ट्री पढ़ी थी, 15 साल पहले पॉलिटी पढ़ी थी, उसके बाद वो जो नोट्स है या लूसन की किताब वो पलटी तो गई नहीं तुमसे, नंबर चाहिए तुम्हें 50 में 50। रीजनिंग का अगर मान लो कोई सीरीज आ जा रही है, नंबर सीरीज एनालॉगी करने में तुम्हें मौत आ रही है। ब्लड रिलेशन का बस यही देख रहे हो कि किसकी गर्लफ्रेंड किसकी मामा की लड़की है, किसकी बुआ की लड़की किसके साथ शादी करके भाग गई, ये देख रहे हो, इससे ब्लड रिलेशन तेज होगा। वो प्रश्न कौन करेगा प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए, वो लड़के पागल है जो लगे पड़े हैं। वाली कहावत है, मेहनत ना करेंगे रत्ती और गाड़ी चाहिए बत्ती,
वही वाली हाल है, मतलब प्रैक्टिस एक प्रश्न की ना करनी पड़े, सिलेक्शन इनको चाहिए 4800 ग्रेड पे, इनके घर पे सामने बिना काम किए इनको सैल्यूट पढ़ रहा हूँ और ये जाके अपना आराम से ऐसे करके बैठ जाए कि भैया हाँ नौकरी तो चल रही है, हफ्ते में एक दिन जब इनका मन करे, वर्कलोड भी नहीं होना चाहिए। मतलब शौक देख रहे, शौक राजाओं वाले चाहिए और मेहनत इनको करना ना पड़े। भैया जिनको राजा जैसी शौक पालनी है कि ऐसा हो ऐसा हो, ड्रीम देखने से पहले मजदूरों की तरह मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन हो। 40 लाख की जनता अगर पेपर दे रही है तो उसमें 40 लाख यही चाहती है कि उसको जॉब मिल जाए, भले ना मिले और बाद में वो करोड़पति हो जाए, लेकिन चाहती तो सबको यही है ना कि जॉब मिल जाए। जब आपको लगेगा, खुद ही लगने लग जाएगा कि आप डिजर्व करते हो, आप मेहनत में औरों से आगे हो, आपकी स्पीड बढ़ गई, उसके बाद खुद ही सिलेक्शन हो जाएगा। रोज यही बात है कि मेरा सिलेक्शन कब होगा, कहाँ है मंजिल, कहाँ नहीं है मंजिल, ये करने से सिलेक्शन ना हुआ है ना होगा। अगर ऐसा ही करना है तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी छोड़ के अपना बिजनेस जो भी है उसमें लग जाना चाहिए। टीचर्स को बदनाम करो कि टीचर्स खराब पढ़ाते हैं, वो मैम खराब है, ये टीचर्स एकदम घटिया पढ़ाते हैं, उनकी स्मार्ट अप्रोच है, वो टीचर्स यही टीचर्स वार करते रहो, बुक्स वार करते रहो कि मेरे पास ये बुक्स है, उनके पास ये बुक्स है, भैया ने बताई ये बुक, अरे भैया के लिए वो बुक बढ़िया होगी, मेरे लिए सर्वेश वर्मा बढ़िया, तुम्हारे लिए है नहीं है, तुम्हारे लिए हो सकता है लक्ष्मीकांत क्वालिटी के लिए पढ़ू, मैं लूसेंट में झूल जाता हूँ। तो सबके लिए अलग है ना यार, आप देखना कि आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ पता है, यूट्यूब पे अवेलेबल, इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं जिनका मन करे कोर्स लो, बस एक बार वो जो बता रहे हैं वो पागल नहीं है, वो तुमसे 100 गुना, तुम नौकरी में आओगे जितना बनाओगे उससे 100 गुना पैसा वो बना चुके हैं, तुम जैसे पता नहीं कितने हजारों को वो गाइड कर चुके हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, द वेरी बेस्ट फॉर ऑल, कम जाऊं, वंदे मातरम, जय हिंद। एक अपनी सीरीज चल रही है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, 60-70 प्रश्न जो भी रिसेंट एग्जाम में एसएससी में पूछे गए, अगर आप चाहें तो वो सीरीज देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जरूर देखें।